आयरलैंड के खिलाफ जीतने का बनाएंगे प्लान, और मेरे साथ है इंडिया के बहुत सारे फैंस यार, और हम यूएस के अंदर हैं, न्यूयॉर्क में हैं और ट्रेन से जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है न्यूयॉर्क में ट्रैफिक इतना जहर है ना, इतना जहर, ये आपको भाई ट्रेन लेनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम जा सकते हैं, लेकिन हमने ट्रेन प्रेफर करी क्योंकि फैंस यहाँ पर है। तो यार क्या नाम है आपका? सचिन। अरे आइला सचिन मिल गए हमको पहले। यार सचिन भाई क्या चक्कर है, ये इंडिया जीत रही है आज? यस डेफिनेटली, पक्का या श्योर। यार ये इंडिया के अंदर ये राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर की बड़ी भसड़ चल रही है कि ये कोच चेंज होने वाले हैं, तो आपको लग रहा है गौतम गंभीर बढ़िया कोच निकलेंगे? डेफिनेटली। ओहो तो मतलब ये तो कह रहे हैं कि गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ से बेटर, राहुल द्रविड़ में कहां गलती रह गई बेचारे, उनकी तपस्या में कहां कमी रह गई? कोई गलती नहीं है, इट्स फाइन, इट्स ऑल गुड। पर उन्होंने, लोग कह रहे हैं उन्होंने जिताया नहीं यार, अबे एक मिनट, दिस वर्ल्ड कप वी विल विन, दिस वर्ल्ड कप भाई राहुल द्रविड़ की अग्नि परीक्षा ही है जीतने के लिए। तो क्या लग रहा है आयरलैंड से कितने रन से जीतने वाले हम? कम से कम 30 रन बस। या 30 रन इज अ बिग स्कोर राइट? तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर आपको कौन लग रहा है इंडिया में? अरे बाप रे, ये भी विराट कोहली है। विराट कोहली? ये विराट कोहली इतनी लेट क्यों आए हैं यहाँ पे? लेट क्यों आए अभी यार, सारी टीम 27 को निकल गई, वो अलग से भाई बंदा 1 जून को आ रहा है, क्या मतलब है ये? ऐसा है क्या? हाँ तो फिर मैच भी देख रहे हैं अभी, और अपना गेम इंप्रूव कर गए ये अनुष्का भाभी लग के क्या साथ में? अब तो एक छोटा मेहमान भी आ गया है घर में यार। तो यार आपको क्या लग रहा है कि इंडिया का सबसे कमजोर प्लेयर कौन है आज? कमजोर प्लेयर ऐसा कोई नहीं है, बट वो कर रहे हो कि सबका परफॉर्मेंस अच्छा ही हो। हाँ ये तो आप क्या मोदी जी, ये क्या है ये इतना डिप्लोमेटिक आंसर? तो इलेक्शन हुआ ना। हाँ तो अब तो हो गया, अब तो आ गए मोदी जी, लेकिन एक हाथ तो लग रहा हुआ यार ये नहीं होना चाहिए था। मतलब नए प्लेयर्स है तो उनसे थोड़ा एक्सपेक्टेशंस है, तो देखते हैं, मतलब वो थोड़ा एक्सपीरियंस कम है उनका, लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म। क्या लग रहा है शिवम दुबे खेलेंगे आज? खेलने तो चाहिए, उनका आईपीएल का परफॉर्मेंस अच्छा था। और रिंकू सिंह को क्यों नहीं लिया यार टीम में, भगवान का बच्चा? हम भी सोच ही रहे ये क्या चक्कर है, ये रिंकू सिंह को क्यों नहीं ले पा रहे हैं लोग? आई थिंक रिंकू शुड हैव बीन इन द टीम, है ना, रिजर्व प्लेयर में बना के ले गए। कह रहे चल बच्चे का कम से कम ट्रिप तो करा दें यार, है ना, नया नया लड़का यूएस तो घुमाया है उनको कम से कम। यार हमारे साथ यहाँ पे भी है मैन, इनके पास चलते हैं। आप बताओ जी, कॉफी शॉफी चल रही, नींद नहीं खुल रही थी ना आपकी? आपके यहाँ पे बज रहे होंगे 8 बजे का मैच है, लेकिन हमारे यहाँ पे सुबह 7 बज रहे हैं, हम जो ट्रेन लेके जा रहे हैं। तो क्या क्या पी रहे हो ये? खाली कॉफी? नहीं, कोल्ड ब्रू है कॉफी। कुछ तो है इसके अंदर, इन्होंने कुछ इंग्लिश में बोला जो मुझे समझ नहीं आया। तो लेकिन यार क्या लग रहा है, ये आज स्पिनर ज्यादा खेलेंगे या पेसर्स? पेस तो ऐसे स्लो है, तो आई थिंक स्पिनर ज्यादा बेटर रहेंगे, ज्यादा बेटर रहेंगे। और बॉल मूव कर रही है, हमने देखा कल श्रीलंका भाई 80 रन नहीं बना पा रही है मुश्किल से रो पिट के, और साउथ अफ्रीका को भी 16 ओवर लग गए बनाने में। तो क्या लग रहा है कि ये जो फिनिशर है टीम इंडिया का, क्या ये हार्दिक पांड्या बनेंगे या शिवम दुबे बनेंगे? हार्दिक पांड्या बनने चाहिए। हार्दिक पांड्या, ये हार्दिक पांड्या को इतने मारा मारी क्यों हो रही है यार हार्दिक पांड्या के साथ? ठीक है यार, एक सीजन खराब है कोई बात नहीं, है ना, आ जाएगा फिर से। तो उनको कैप्टन बनाना चाहिए था मुंबई का? नहीं मेरे साथ नहीं। रोहित शर्मा आपको क्या लगता है, ये हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया, उनकी वो अभी चल रहा मसला शादी का, क्या मसला हो गया ये हार्दिक पांड्या की शादी का? वो तो आप हार्दिक पांड्या से पूछो यार, पर आपको क्या लगता है? चलो हम तो, हमारा तो काम है ना जज करना कि क्या हुआ होगा नताशा भाभी के साथ, भाभी के बीच में हमने आते हैं हार्दिक पांड्या एंड भाभी। लेकिन अब क्या लग रहा है कि देखो जो वार्म अप मैच था उसमें हार्दिक पांड्या ने ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट पे 40-45 रन मारे थे, तो क्या लग रहा है आज वो सिर्फ वार्म अप मैच का ही कमाल था या आज भी हार्दिक पांड्या कमाल दिखाएंगे? आई थिंक आज पे दिखाएंगे और तो, और अगर आपके पास एक ऑप्शन होता कि शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या में से कोई एक प्लेयर आप रख सकते हैं तो किसे रखते हैं? मैं शिवम दुबे को रखता क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस आईपीएल में बेटर थी ऐसा। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि शिवम दुबे से अभी तक बॉल डलवाई नहीं गई है, तो हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर प्ले कर सकते हैं, लेकिन शिवम दुबे का क्या करें? वो भी है ना, ये तो फंस गए मैंने, ये ट्रिक क्वेश्चन था लेकिन देखो आयरलैंड से तो हम जो जीतने वाले हैं, ये पीछे अगर आप डब्बा देखो तो सारे आयरलैंड के फैन भरे हुए हैं, पर उनका कुछ नहीं हो सकता भाई, बहुत बुरे तरीके से हराने वाले हैं हम उनको, कम से कम
100 रन 30 रन, ये आप लोग इतने 30 रन पे क्यों हो यार, ये आयरलैंड से भी 30 रन से जीत देंगे हम। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, बस थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है और हम लाइव लेके आने वाले हैं आपके पास सीधा स्टेडियम के बाहर से, और मैच के बाद तो बहुत सारे फैंस हमें मिलने ही वाले हैं। तो चलो तब तक चलते हैं हम लोग, आप स्विच को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यूयॉर्क से हम बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट आपके लिए लाते रहेंगे। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, आप देख रहे हैं स्विच।